राजस्थान के बाड़मेर से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल होंगे। मानवेंद्र सिंह बीजेपी के संस्थापकों में से एक जसवंत सिंह के पुत्र हैं। कांग्रेस का मानना है कि मानवेंद्र के कांग्रेस में आने से पश्चिम राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि मारवाड़ में असर रखने वाला राजपूत समुदाय इससे कांग्रेस के साथ आएगा। उधर बीजेपी ने कहा कि मानवेंद्र के कांग्रेस में जाने के फैसले से पश्चिम राजस्थान में राजपूत वर्ग बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगा। बीजेपी ने मानवेंद्र पर पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। वहीं मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस का हाथ थामने के फैसले से बीजेपी को राजस्थान में जोर का झटका लगा। बाड़मेर के शिव से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह को राहुल गांधी बुधवार को पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। राहुल ने दिल्ली में अपने आवास पर आमंत्रित किया है। मानवेंद्र सिंह पिछले महीने ही बाड़मेर के पचपदरा में स्वाभिमान रैली कर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। सर, आप इतने दिनों से कह रहे थे कि स्वाभिमान रैली में कार्यकर्ता कहेंगे, तो सर कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई है पार्टी छोड़ने के लिए, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया सॉरी कि मेरा नाता बीजेपी टूट गया आज। सर, आपने एक वर्ड का बीजेपी, वो जो नारा था वो मैंने रिपीट करा है। सर, ऐसा क्या हो गया, मतलब इन चार सालों में आपने एक और बहुत बड़ी बात कही स्टेज से, मोदी जी का फोन भी आया था, तो सर वो चुनाव के समय आया था, वो क्या था सर, थोड़ा सा बताएंगे? चुनाव के समय आया था कि जो घटनाक्रम हो रहा है टिकट को लेकर वो बहुत दुखद है, वो उससे वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और फिर उन्होंने कुछ बताया कि जयपुर के किसी व्यक्ति ने और दिल्ली में दो व्यक्तियों ने ये घटनाक्रम पूरा प्रायोजित करा था, तो इससे वो बहुत दुखित थे। और उन्होंने मुझे कहा कि आप तो हमें साथ में काम करना है, तो आप धैर्य रखिए। तो सर आप धैर्य की मेरे धैर्य की सीमा हो गई आज। भारतीय जनता पार्टी से आप दूर हो गए हैं, लेकिन किसके साथ आप जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ? जो मैं अभी समर्थकों को धन्यवाद दूंगा और जो समर्थक कहेंगे उसके अनुसार मैं कांग्रेस मुझे धन्यवाद तो देता हूँ सबको, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ कम समय में और सबने सबका योगदान है इसमें, तो इसको धन्यवाद के समय पता चलेगा। साफ तौर पर कांग्रेस ज्वाइन कर देनी चाहिए, आपकी क्या राय? तो कार्यकर्ताओं का निर्णय ही आपका निर्णय है? कार्यकर्ता निर्णय मेरा निर्णय है, लेकिन मैं सबसे पूछूंगा, क्योंकि वो सिर्फ आगे जो बैठे थे वो ज़्यादा जोशीले थे दुर्जन सिंह जैसे, वो ये मुझे सबको सुनना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, सभा में पूरे पीछे से भी आवाज़ आ रही थी, सब पूरे हॉल में ही था। सर, इन सर स्वाभिमान रैली के दौरान, एक दो दिनों के दौरान या चार पाँच दिनों के दौरान आपको हाईकमान से या प्रदेश से बीजेपी से और से फोन भी आया, ऐसा कुछ उन्होंने आपको कहा? जैसे जिला अध्यक्ष भाजपा का चेंज कर दिया गया, तो ऐसी कोई बात भाजपा छोड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं? सर, आमतौर पर रैलियों में हमने देखा है, चाहे वसुंधरा जी की रैली हो, संकल्प रैली हो, तो भीड़ जुटाने के लिए पूरा साधन। आपने जो ये रैली की है, ये मतलब इसका श्रेय किसको देते हैं कि जिस तरीके की इतनी भीड़ जुटी? श्रेय 100% श्रेय जो टीम जिन्होंने मेहनत करी वहाँ, वॉलंटियर्स विशेषकर जिन्होंने व्यवस्था में भाग लिया, और श्रेय केवल जनता को जिन्होंने स्वयं के जेब से ये बीड़ा उठाया और उन्होंने वाहन, पानी, खाना पीना सब अपने खर्चे से कराया। सर, इन 5 सालों में सर वसुंधरा राजे को लेकर आपका क्या कहना उनके कार्यकाल के बारे में? दुखी। कितने आपका ये कहना था सर, कितने निर्णय लेने वाले निर्णय नहीं ले पाते हैं तब मजबूरन धैर्य की सीमा समाप्त होती है। मोदी जी से आपकी बात हुई, आपने कहा मोदी जी निर्णय नहीं ले पाए, तो क्या आपके भाजपा छोड़ने का कारण मोदी जी का निर्णय नहीं ले पाए?